रणवीर सिंह धर। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं अलवर फैमिली ट्रिप में। तो हमारे साथ दादी हैं पीछे बैठी हुई, बुआ हैं और पिंकी है मेरी कजन, जो कि कह रही है मुझे शूट मत करना क्योंकि वो कह रही है मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो दादी आपको कैसा लग रहा है आज हम जा रहे हैं सारे फैमिली में? फैमिली अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम घूमने जा रहे हैं। चलो बुआ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मौका मिला है मुझे बाहर जाने का। हाँ यार, बुआ तो यार बहुत टाइम बाद, मैं तो बचपन में गया था बुआ के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं सम्राट और ये मेरे चाचा हैं RDX रणवीर सिंह धर। और आज हमारे साथ टीनू भी है। Hey guys! जो टीनू और ये हमारा गेमिंग चैनल वाला। हेलो हेलो गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज हमारा है सेकेंड डे अलवर में। फर्स्ट डे हमने कुछ भी नहीं किया, ना कुछ वीडियो शूट करी ना कुछ किया, क्योंकि हमने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, बस हमने ट्रैवल किया। सो आज सेकेंड डे में अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी हम तैयार हो रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबके रूम में जाकर देखता हूँ कि कौन कितना तैयार हुआ अभी तक। सो अभी हम टीनू के रूम में जा रहे हैं, अभी हम मैं देखता हूँ वो मेकअप कर रही है, अभी ये टीनू का मेकअप चल रहा है। और ये हमारा गेमर व्लॉगर, दोनों अपकमिंग गेमर, गेमिंग कम्युनिटी का एक इकलौता बादशाह जो इस गेमिंग कम्युनिटी को संभालेगा आगे जाके। आज अब मेरा चेहरा देख लो, आगे इस चेहरे के आपको भाई प्रमोशन नहीं करना यार, अपने चैनल का तीनों के चैनल का भी प्रमोशन करो यार, जैसी मैं आ रही चली जा रही है। सो मैं अभी सबके रूम पे गया तो बट मोस्टली लोग तैयार हुए नहीं है, तो हम सोच रहे की और आज मोना फर्स्ट है बिल्कुल रेडी होने में। कोई नहीं, कल नहीं हो पाई फर्स्ट। और अभी टीनू हमारे रूम में आ रही है, मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ पक्का बोलेगी, पक्का 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 कुछ ना कुछ कमेंट करेगी। तो मैं टीनू को आपसे मिलवाता हूँ। तो ये रही हमारी टीनू। टीनू स्टार्ट हो गया तुम्हारा व्लॉग? हाँ। देखो तो इसका टीनू के चैनल का नाम क्या है बताओ? टीनू शीनू। और टीनू शीनू को जो सब्सक्राइब करेगा वो मुझे भी कर ही देना यार। ऐसा प्लान करेंगे किसने सोची ना होगी। हमारे जो साहिल ब्रो हैं वो अभी आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था बहुत बड़े गेमर बनने वाले हैं, तो मैं इसकी बात कराता हूँ आपसे, तो आप साहिल से बात करो। साहिल जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा गेमर है, तो ये एक्चुअली एडिटिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो साहिल बताओ तुमने कहा क्या क्या सीखा है एडिटिंग में? भाई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, आराम से मस्त होकर बोलो बैठ के। तो हमने पता करा कि ब्रेकफास्ट में तो ये लोग जा नहीं रहे हैं क्योंकि तैयार ही नहीं हुए हैं, तो हमने सोचा कि फिर हम टेरेस देख के आते हैं। और यहाँ पे इंसान स्विमिंग नहीं कर रहा, कबूतर स्विमिंग कर रहा है। बट यहाँ से ना पूरा देखो अलवर का व्यू दिख रहा है पूरा, ये देखो ना। अब हम लोग जा रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहाँ जाके ये पीछे वो हेलो हेलो गेमर व्यूज को है तो बोलते हैं। पहुंचे हैं पोए होटल सरिस्का इन पे, और यहाँ पे लोग और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, और ये हमारी टीनू फोटो खींच रही है। सो जो हम जहाँ अभी हम लंच के लिए रुके हैं वहाँ पे पिंकी और टीनू की रेस हो रही है अभी, तो देखते हैं कौन जीतता है। चलो 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 1 2 3 गो, वापिस आना है, वापिस वापिस वापिस। और टीनू जीत चुकी है। और यहाँ पर हमें बहुत एक अच्छा सा व्यू पॉइंट मिल गया है जहाँ पे हम फोटो क्लिक कर सकते हैं,
और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी टीनू जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये जो आपको दिख रही है अभी, ये है टीनू, और जो पीछे बैठी हुई है वो है पिंकी, और ये मोना आ गई है हमारी फोटो क्लिक करने के लिए। सेल्फी अपने साथ हो रही होगी। ठीक है, जाओ टीनू बता के आओ फटाफट। और अब हम देखने जा रहे हैं राहुल और टीनू की रेस। 1 2 3 यहाँ पे तीनों भाइयों की रेस हो रही है, देखो देखते कौन जीतता है। गाइस ये देखो इन हमारे प्यारे बंदरों को, बताओ जी हमारे भाभी ये भैया। अब हम हैं होटल में और हमारे यहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो पहले हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे केक कटेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने सेलिब्रेट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सो ये प्रॉपर फुल फ्लेज व्लॉग था नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर शूट करने वाले थे, तो जो मेरे पास वीडियो थी तो मैंने उसको एडिट करके एज अ व्लॉग बनाने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक्सीडेंट हो गया था, तो जो मम्मी है वो बाहर और बच्चा साइड में गिर गया। तो क्या हुआ था कि उसने बच्चा तो अरे, तो माँ चिल्ला रही हेल्प करो करो, किसी ने वहाँ गाड़ी रोकी नहीं गाड़ी, उसके वो ऑन द स्पॉट मर गया, बच्चा भी मर गया। तो अब क्या होता है, जब भी रात को 12 से 1 के बीच में वहाँ पे होता ही है हमेशा, कोई भी अगर उस रोड से जा रहा होता है ना, और सबसे बड़ी बात क्या है, उसके पीछे कब्रिस्तान है, वो रोड देख के ना।